पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में लगभग 3000 निर्यातकों के संगठनों ने एकजुट होकर आज निर्यात में आ रही समस्याओं से अवगत कराने के लिए वित्त मंत्री के नाम एक ज्ञापन मुरादाबाद के जिलाधिकारी को सौंपा गया। निर्यातकों ने रूट टैप और MEIS को लेकर आ रही परेशानियों से अवगत कराया। इस दौरान पलायन कर रहे कारीगरों की स्थिति से भी जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। दरअसल भारत सरकार के द्वारा निर्यातकों को मिलने वाली MEIS स्कीम को बंद करने के बाद रूट टैप स्कीम लागू कर दी गई, लेकिन रूट टैप स्कीम में निर्यातकों को फायदा सिर्फ नाम का है। अपनी परेशानियों को बयां करते हुए निर्यातकों का कहना है कि रूट टैप भारत सरकार के द्वारा भले ही दिया जा रहा है, लेकिन निर्यातकों की परेशानी को देखते हुए ऊंट के मुंह में जीरा जैसी ये स्कीम साबित हो रही है। इसीलिए भारत सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए निर्यातकों ने देश भर में आज के दिन को ज्ञापन दिवस के रूप में मनाते हुए भारत सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाया है। इस दौरान निर्यातकों की मांग है जो MEIS स्कीम का पैसा अभी भी अटका हुआ है वो जल्द ही दिया जाए। साथ ही कहा कि रूट टैप स्कीम में मिलने वाला लाभ को भी बढ़ाया जाए, जिससे कि निर्यातक देश की आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में अपना भरपूर सहयोग कर सकें। आपको बता दें कि EPCH के द्वारा पूरे देश भर में ये ज्ञापन दिवस मनाया गया है। दस्त जो ज्ञापन दिया है वो भारत सरकार को संबोधित है और उसमें कुछ जो एक्सपोर्टर्स को समस्याएं आ रही हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने अपना एक मांग पत्र दिया है, जिसको आज ही भारत सरकार को भेजा जा रहा है और इसमें अग्रिम कार्रवाई भारत सरकार के स्तर से। पूरे भारतवर्ष में ज्ञापन दिवस के रूप में रोड टैप की दरों को लेकर MEIS का रिफंड रुका हुआ ना मिलने के कारण कंटेनर की कमी व दरों के विरोध में सब जगह अपने अपने जिलाधिकारी व सांसद को ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद के सारे निर्यातक जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है सबने, सारे निर्यातकों ने, कि रोड टैप की दरें बढ़ाई जाएं, MEIS का रुका हुआ रिफंड वापस किया जाए और कंटेनर की दरों को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाए और जो कंटेनर की फर्जी कमी बनाई हुई है शिपिंग लाइंस में उसके लिए सरकार एक कमेटी बैठा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है 8000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले निर्यातक आज सड़कों पर अपनी मांग के लिए खड़े हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से भारतवर्ष के वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को और कॉमर्स मिनिस्टर तक ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि नए भारत का निर्माण हो, जब तक हस्तशिल्प निर्यातक उनकी समस्याएं हल नहीं होंगी तो नए भारत का निर्माण कैसे होगा। हम लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 5 से 6 लाख आर्टिजन्स को कारोबार देते हैं, विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं और आज हम सब लोग मजबूरी वश सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखिए, रोड टैप की दरों में जो बिल्कुल ऐसा काम किया है सरकार ने, ऊँट के मुँह में जीरा का, कुछ भी नहीं है। 30 पैसे किलो, क्या होता 30 पैसे किलो। उसके अलावा जो ये 1 जनवरी को लागू होना था आज 8 महीने बाद ये लागू हो रहा है। उसके अलावा हमारी जो मांग थी, हमारी जो MEIS का जो पैसा है वो आज तक हमें अभी तक नहीं मिला है, 2 साल का हमारा बाकी है। उसके अलावा भी कंटेनर की कमी और कई तरह के मुद्दे हमारे थे, उसी के पक्ष में हमने आज DM जिलाधिकारी महोदय को ये ज्ञापन सौंपा है और हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उसका हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का ज्ञापन दिया जा रहा है, जहाँ पर मंत्री महोदय हैं वहाँ पर मंत्री महोदय के माध्यम से दिया जा रहा है और जहाँ और हर जगह जिलाधिकारी महोदय के उसके द्वारा दिया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो मांग है वो सरकार द्वारा मांग ली जाएगी और हमें पूर्व की भांति इस तरह का हमें जो बेनिफिट मिलता था वो मिलता रहेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।